अभी हम ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि धूप जो है बहुत ज्यादा तेज है। माह रमजान का महीना जो है वो जयपुर में ही होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं जी भोपाल से सुबह निकल गया था लेकिन व्लॉग मैंने स्टार्ट नहीं किया, व्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी 220 किलोमीटर्स कर लिए हैं, अभी हमारे पास मोर देन 400 किलोमीटर्स बचे हैं जयपुर तक, हमारी यूनिवर्सिटी तक। सुबह मैंने इसलिए व्लॉग स्टार्ट नहीं किया बिकॉज बहुत लेट हो गया था। मेरा इरादा था 5 बजे निकलने का लेकिन मैं निकला 7 बजे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 220 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अभी मैं एक जगह रुका हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए क्योंकि ब्रेकफास्ट अभी नहीं किया था। सुबह मैंने बस फ्रूट्स किए थे जो एक वारिस भाई ने कल रात को दिए थे, तो अभी पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आगे चलते हैं। धूप बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो हमें जितना हो सके सफ़र अभी मॉर्निंग में ही निकाल देना है। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकफास्ट कर लिया है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि सुबह 7 बजे निकला था और फिर कुछ नहीं खाया था सुबह। उस टाइम थोड़े से फ्रूट्स खाए थे। तो अभी हमारा सफ़र जो है वो है 405 किलोमीटर्स और हमने ऑलरेडी किया है 220 किलोमीटर्स। अभी बस पेट्रोल फिल कराना है, पेट्रोल ख़त्म हो गया है, रिजर्व पे आ गया है। अभी पहले पेट्रोल फिल कराते हैं, पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। बिस्मिल्लाह पेट्रोल फिलिंग हो गई है, 1159 का पेट्रोल आया है और इससे पहले भी मैंने एक टैंक फुल कर दी है। धूप बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत फील हो रहा है कि हम किसी आग में से चल रहे हैं, इतनी ज़्यादा धूप है। अगले 2 महीने अब राइड करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम जयपुर जा रहे हैं वरना हमारी राइड अभी 1 महीने तक और। पेट्रोल फिल कराने के लिए रुको एक मिनट। बिस्मिल्लाह थैंक यू। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 15 मिनट रुका। अच्छा जी, तो इतने टाइम से मैं कहाँ था, इतने टाइम से मतलब सुबह से, अभी 2:43 हो रहे हैं और मैंने किए हैं वेट और मैंने 449 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए, अभी बचे हैं 173 किलोमीटर्स मेरी यूनिवर्सिटी तक। तो जी सुबह से मैं बहुत बार रुका, लंच मैंने नहीं किया, मैंने चाय पी, कोल्ड ड्रिंक पी, छाछ पी, पानी पिया, बहुत बार रुका लेकिन मैंने व्लॉग नहीं किया। व्लॉग मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कहने की बात नहीं है। मैं हेलमेट का वाइजर खोलता हूँ ना तो ऐसी गर्म हवा आती है कि पूछो मत। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जयपुर पहुँच गया हूँ, मैंने रास्ते में बिल्कुल भी व्लॉग नहीं किया क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और रूम में पहुँच के मैंने आराम किया है। जो मज़ा आया ना, जो सुकून मिला है ना वो अलग ही है। अब देखो कपड़े कितने सारे हैं जो मुझे वॉश कराने हैं, कराने क्या है खुद ही करने हैं। और अभी फ़िलहाल मैं पहले सलून पर जाता हूँ, हेयर कटिंग करनी है, बियर्ड ठीक करनी है और टैनिंग बहुत ज़्यादा हुई है तो पहले मुझे डिटैन करवाना है। एक ही दिन में तो नहीं होगा, इसको 1 महीना लगेगा। सी ये देखो टैनिंग कितनी ज़्यादा हुई है, तो इसका कुछ पहले इलाज भी करवाना है। तो पहले जाते हैं अब अपना थोड़ा केयर, स्किन केयर करवाते हैं और बालों की केयर भी करनी है जो कि
पूरे जड़ चुके हैं अब तो हेलमेट की वजह से। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। जयपुर आते ही काम शुरू हो गया। क्या काम शुरू हो गया, राइड के बाद जो काम होता है ना, छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, वो बहुत मतलब देर तक चलते हैं। देखिए, कल रात को ही मैंने कपड़ों का एक राउंड जो है वो धो लिया था, तो ये सारे कपड़े, पहले मैंने टी शर्ट शर्ट्स धो ली थी और अभी मैंने जो है दूसरा राउंड सुबह सुबह धो लिया। एक तो शूज़, राइडिंग शूज़, और दूसरा हेलमेट का सामान, बैग्स, कुछ और टी शर्ट्स। तो पहले इनको भी धूप में रखते हैं और इन ये वाले सूख गए तो इनको नीचे ले जाते हैं। दो राउंड्स हो गए कपड़ों के, ये वाले सूख गए हैं, वो वाले मैंने रख दिए हैं फिर से। अब है और दो राउंड्स की बारी, अभी और दो है तो वो भी धो लेंगे। अभी आज से आपको डेली लाइफ थोड़ा वो देखने को मिलेगा, जैसा प्यार आपने ट्रैवल वाले व्लॉग्स को दिया है वैसा प्यार इनको भी दे। अभी हम ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि धूप जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है, उस वजह से हम अभी कहीं राइडिंग पर नहीं जा सकते। तो फिलहाल माह रमज़ान का महीना जो है वो जयपुर में ही होगा इंशाल्लाह, और यहीं पर आपको डेली लाइफ दिखाएंगे कि हम माह रमज़ान यहाँ कैसे बिताते हैं। और फिर आगे जो है नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको पूरी राइड का खर्चा बताऊंगा, कैसे क्या किया वो इंशाल्लाह नेक्स्ट राइड में बताऊंगा मैं आपको कितना खर्चा किया।